अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शान और आप सब देख रहे हैं एग्रीकल्चर एंड इंफॉर्मेशन चैनल। दोस्तों, चीनी की मार्केट में ठहराव, चीनी की ताज़तरीन सूरत हाल पर मुकम्मल अपडेट इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियो और इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नए वीडियो और अपडेट आपको जल्द से जल्द मिले। तो दोस्तों, बात करेंगे गुजरे हुए पहले हफ्ते पर के चीनी की मार्केट में क्या देखने को मिला, कितनी तेज़ी रही, 50% की क्या पोजीशन रही। तो चलिए देखते हैं। तो अपर पंजाब में दोस्तों शाहताज शुगर मिल का रेट 12,000 रुपये से बढ़कर 12,200 रुपये तक रहा, जबकि हुसैन शुगर मिल जड़ांवाला का रेट 11,900 रुपये पर इस्तेहकाम रहा। किसान शुगर मिल का रेट 11,975 रुपये से बढ़कर 12,000 रुपये की सतह पर रिकॉर्ड किया गया। सेंट्रल पंजाब में कमालिया शुगर मिल का रेट 11,775 रुपये से बढ़कर 11,800 रुपये तक रहा। जेके शुगर मिल का रेट 11,900 रुपये तक मुस्तहकम रहा। जनूबी पंजाब में JDW शुगर मिल का रेट जो है 11,800 रुपये से बढ़कर 11,860 रुपये तक रिकॉर्ड रहा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की शुगर मिल चश्मा का रेट 11,900 रुपये से बढ़कर 11,900 रुपये की सतह पर रिकॉर्ड किया गया। सुबह सिंध में बात की जाए तो खैरपुर शुगर मिल का जो रेट है वो अप डाउन में रहा और अक्सर नो सेल भी रही, जबकि अलनूर शुगर मिल का रेट जो है 12,225 रुपये से बढ़कर 12,025 रुपये तक रिकॉर्ड में रहा। ज़िरई सिंध में थरपारकर शुगर मिल नो सेल रही। अलाबाद शुगर मिल का रेट जो है 12,100 रुपये तक मुस्तहकम रहा। करंट पोजीशन की बात की जाए तो फिलवक्त जो रेट चल रहे हैं JDW का जो रेट है अब 11,850 रुपये तक रहा। हमजा शुगर मिल का 11,780, इंडस का 11,825, शहताज का 12,200 रुपये, जोहराबाद का 12,000, खैरपुर का 12,025, रानीपुर का 12,020 रुपये, घोटकी का 11,920 रुपये, ढरकी का 11,900 रुपये, अलायंस का 11,900 रुपये, RYK का 11,800 रुपये, बादगार का 12,100 रुपये, अलाबास का 12,100 रुपये, अलनूर का 12,060 रुपये, शामरात का 12,060 रुपये, कमालिया का 11,800 रुपये तक रेट हैं। तो ये थी लेटेस्ट रेट अपडेट। तो आप तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे नए वीडियो और अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।